हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे उन्हें। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि हमें बहुत सारी वैल्यू दी रखी होती हैं, 3 या 4 रूट के अंदर, तो हमें उसमें निकालना होता है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो उस केस को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि रूट के अंदर लिखा हुआ है 4 मान लेते हैं और 3, ठीक है। एक ये वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है रूट के बाहर 4 और अंदर 6, और एक वैल्यू दे रखी है हमें रूट के अंदर 15, बाहर दे रखी है 6। इसी तरह से हमें दे रखी है लास्ट एक 4th और मान लेते हैं कोई भी, तो हम मान लेते हैं 245 की पावर समथिंग 12 मान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इसमें बतानी है कौन सी बड़ी है। क्या पूछा है इसमें, बड़ी कौन सी है। ओके फ्रेंड्स, तो बड़ी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें 3, 4, 6 और 12, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम लेना है, मतलब लासा। तो 3, 4, 6, 12 का अगर हम लासा लेंगे, ऐसी संख्या जो कि पूरी तरह विभाजित हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो इनका ऐसी वैल्यू माने जो कि इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो मैंने मान ली 12, या फिर आप सबसे अच्छा है कि एलसीएम ले लें, ठीक है। तो अब देखो, 3 से 12 डिवाइड हो रही है, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो अब क्या करना है, जो बीच में वैल्यू है इसे तो हमें एज इट इज लिखना है 4। इसी तरह इसे भी एज इट इज लिखते हैं 6। इसी तरह 15 एज इट इज लिखते हैं। इसी तरह 245 लिखते हैं, ठीक है। अब हमें पावर बनानी है इसकी। ओके फ्रेंड्स, ओके, अब क्या करना है आपको, 3, 4 जा 12, मतलब 12 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो 3, 4 जा कितना होता है 12, तो 4 बार डिवाइड हुआ, तो जैसे कि एक देख लेते हैं 12/3, तो कितनी बार जाएगा 4, तो ये वाली 4 जो है पावर बन जाएगी इसकी, ठीक है। 4, 3 जा 12, 15 मतलब 6, 2 जा 12, 12 1 जा 12। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो इसे सॉल्व करने के लिए 4 की पावर 4 कितनी होती है, 256 मतलब 256 होती है, ये आपको थोड़ी बहुत याद करनी होगी। 6 की पावर 3, 6 का क्यूब मतलब 6×36, 3606 कितना हो गया, 216, ओके। या फिर 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 15 का कितना होता है स्क्वायर, 225। इसी तरह 245 की पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 245। अब इसमें से हमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, या तो छोटी जैसे कि पूछ ले, या तो छोटी पूछ ले, या फिर बड़ी। ओके फ्रेंड्स, तो छोटी की केस में हमारा आंसर क्या होगा, सबसे पहले देख लें इसमें छोटी कौन सी है, 216। तो छोटी कौन सी हो जाएगी मेरी, और कोई तो है नहीं, तो कितनी हो जाएगी, 4/6 आंसर हो जाएगा अगर छोटी पूछी गई हो तो। ओके फ्रेंड्स, अगर बड़ी पूछी जाए तो बड़ी के केस में क्या आंसर हो जाएगा, तो 256 सबसे बड़ी है, तो 3√4। ओके फ्रेंड्स, तो बड़ी के केस में ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा 2√2, 6√3, करीबन 3√4, इसी तरह मान लेते हैं 4√5। सबसे पहले क्या करना है, बाहर वाले डिजिटों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो सकता है, 12 ले लिया। अब 12 को 2, 6 जा 12, 2 की पावर कितनी बनी, 6, ठीक है। 2 एज इट इज रखा, 2 से 6 बार गया, 6 × 2 = 12, तो 3 की पावर कितनी बनी, 2, ठीक है। अब इसी तरह 3 × 4 = 12, 4 की पावर कितनी बनी, 4, 4 × 3 = 12, 5 की पावर कितनी बनी, 3, 5×25 = 25, यहाँ से कितना आया, 125 मेरा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से देखें 4×16 256 होता है इसका। ओके, 3×3 = 9, और 2 की पावर 6 कितनी होती है मेरी, 2 की पावर 6 होती है समथिंग 64,
ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें देखना है बड़ी और छोटी। तो इस केस में आंसर हम बड़ी का अगर दें तो बड़ी कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी? 256 मतलब 3 रूट 4। इसी तरह अगर क्वेश्चन में पूछा जाए छोटी, तो छोटी के केस में आंसर क्या होगा? छोटी के केस में आंसर हो जाएगा कितना? 9 मतलब 6√3। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, तो फ्रेंड्स अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ बेसिक्स चल रहा है, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें। जैसे ही मुझे सब्सक्राइबर कम से कम 10 हो जाए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पढ़ाना अच्छा लगता है, तो 10 सब्सक्राइबर जैसे हुए वैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है 2√2, 3√3, 4√4 और मान लेते हैं 6√6। अब क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ओके, 2 6 12, 2 की पावर कितनी बनी? 6। 3 चौक 12, 3 की पावर कितनी बनी? 4। 4 चौक 32, 4 की पावर कितनी बनी? 3। 6 2 12, 6 की पावर कितनी बनी? 2। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 4 चौक 16, 16 चौक 64। 3 की पावर 4 कितनी होती है हमारी? 3 की पावर 3 होती है 27, और 3 की पावर 4 कितनी हो जाएगी? 108। ओके फ्रेंड्स, आप 2 की पावर 6 कितनी होती है हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 64। अब क्वेश्चन पूछ लेगा बड़ी या छोटी, तो बड़ी के केस में हम क्या कर देंगे? बड़ी कौन है? 108 मतलब 3√3। और अगर छोटी पूछ ले तो उस केस में आंसर क्या देंगे हम? छोटी 36 मतलब 6√6। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हमें दे रखा है 4√3, मान लेते हैं 5√4, इसी तरह 10√12 मान लेते हैं, इसी तरह मान लेते हैं 1 only। अब क्या करें हम इसमें? अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें लासा लेना पड़ा। जो 1 है 1 के ऊपर अंडर रूट लगा दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और √2 का बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में ये 1 ही रहेगा, तो हम एलसीएम लें, 4 5 20, 20 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, तो कितना हो गया एलसीएम? 20। अब क्या करना है? 4 5 20, तो 3 की पावर कितनी बनी? 5। ठीक है, 5 6 20, 4 की पावर कितनी बनी? 4। 10 2 20, 12 की पावर कितनी बनी? 2। 1 का भाग कितनी भी पावर बनी? 2 2 2.5। ठीक है, 1 की पावर कितनी बनी? 10। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है हमें? अब इन्हें सॉल्व करना है। 3 की पावर 5 कितनी होती है? 243। 4 की पावर 4, अभी हमने देखा था 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। ओके फ्रेंड्स, 12 दुनी मतलब 12 12 कितना होगा? 144। और 1 की पावर 10 है तो वो 1 ही रहेगी। अगर इस केस में हमसे छोटी पूछी जाती है, अगर इस केस में हमसे छोटी पूछी जाती है, तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारा? छोटी पूछी जाती है तो हो जाएगा 1। और अगर, क्योंकि रूट तो हमने अपनी तरफ से लगाया, ठीक है, और अगर बड़ी पूछी जाती है तो उस केस में, बड़ी के केस में क्या हो जाएगा? 256 मतलब 5√4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कोई भी क्वेश्चन में एक पूछेगा आपसे, दोनों नहीं पूछेगा, या हो सकता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, पूछ सकते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर इनके अकॉर्डिंग ही लगा लेंगे 144, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ओके, सीरीज वे में जो भी पूछता है। अगले क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप से। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमें दे रखा है 6√12, 3 की पावर 3 4 मान लो, और इसी तरह से 4√5 मान लो,
इसी तरह से 2√3 मान लो, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले एल से मिलना है, 36 18 18, 4 से नहीं जा रही है तो 60 60 लेना पड़ेगा, या फिर 12 12 भी ले सकते हैं, तो 12 देखते हैं, 6 2 12, तो 12 की पावर कितनी बनी, 2, 3 4 12, 4 की पावर कितनी बनी, 4 4 3 12, तो 5 की पावर कितनी बनी, 3, 2 6 12, 3 की पावर कितनी बनी, 6। अब क्या, 12 12 144, 4 का कितना होता है 256, और यहाँ पर 5 की पावर 3 125। अब क्या होगा, 3 की पावर 6 होती है 729। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, बड़ी या छोटी, अब इसमें पूछ लेगा कि बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट या फिर स्मॉल, तो छोटी, तो बड़ी क्या हो जाएगी मेरी, सबसे पहले देख लें 729, मतलब तो बड़ी के केस में आंसर क्या होगा 2√3, और छोटी के केस में क्या आंसर हो जाएगा हमारा, छोटा सबसे 125, तो मतलब 4√5। ओके, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल है, अभी सिर्फ बेसिक ट्रिक ही चल रही है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में अगर इस तरह से आए, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, या फिर सीरीज में लगाएं, सीरीज में हम इनके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अगली क्लास में चलते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।